हे एवरीवन, इट्स मी हमज़े एंड यू आर वॉचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। बडीज़, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, हमें रिक्वेस्ट भी आई हुई थी, उसके अलावा जो है ना एक अच्छा रिक्वेस्ट भी आई हुई थी और दिन भी इतफाक़न ऐसा हो गया कि वी लोग जिस पे रिएक्ट करने वाले हैं वो भी बर्थडे पे है और आज आपके भाई का भी बर्थडे है। तो प्रगति वर्मा जनाब, उनका वीलॉग आया था चंद दिन पहले कि नोबडी केम टू माय बर्थडे पार्टी। तो कमाल है, पार्टी दी और कोई गया नहीं है। अजीब बात है ये वैसे कि मतलब पार्टी दी और कोई गया नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं कि उन्होंने पार्टी दी, कोई गया नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी, अपने बर्थडे वाले दिन किसी और का बर्थडे देखते हैं बैठ के। तो शुरू करते हैं, 3 2 1 एंड गो। मुझे नहीं लगता आपको आने वाला है, मुझे अकेले ही सेलिब्रेट करना पड़ेगा। अकेले ही करना चाहिए, हैप्पी जिंदगी आसान बर्थडे टू रहती है। मी। एक हफ्ते बाद मेरा बर्थडे है और मैं इस ईयर कुछ डिफरेंट करना चाहती हूँ, कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंट। अगर आपसे कोई रैंडम स्ट्रेंजर आके बोले कि मेरा आज बर्थडे है और प्लीज आप मेरे बर्थडे पार्टी में आना, तो आप उसके बर्थडे पार्टी में जाओगे या नहीं जाओगे? तो गाइस, मेरे बर्थडे इनविटेशन कार्ड प्रिंट होके आ गए और मैंने 100+ इनविटेशन कार्ड प्रिंट कराए, और ये सारे के सारे सिर्फ स्ट्रेंजर्स के लिए है। मैं किसी अपने फ्रेंड्स या फैमिली को ये नहीं देने वाली हूँ। मुझे देखना है कि मेरे बर्थडे में स्ट्रेंजर्स आते हैं या नहीं आते हैं, या मेरा चोखा होता है। और गाइज, ये लो एक इनविटेशन कार्ड आपके लिए भी, तो आप हमारे बर्थडे में जरूर जरूर आइएगा। यार, बर्थडे होता है या बर्थडे होता है, मुझे तो बर्थडे जो भी कह लो भाई होता बर्थडे है, भाई का बर्थडे, बहन का बर्थडे है। हाय, मेरा बर्थडे है, बट मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, तो मैं आपको अपने बर्थडे में इनवाइट करना चाहती हूँ। आप वो कह रही आओगे है बहन, क्यों मजाक कर रही है? कल आजकल की हाँ, दुनिया में ऐसे आओगे? लोग भी होते हैं। ओके, थैंक यू। ओके, कल के लिए एडवांस में आ रही जप्पी जादू। थैंक यू। ओके, बाय। वाह, कल बर्थडे है। प्रैंक वीडियो शूट नहीं कर रही है? नहीं, प्रैंक नहीं है, कर रही है। नहीं, प्रैंक नहीं है। सुनो तो, आप सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप बताइए, बताइए कैमरा कहाँ है आप? अरे बताइए, हाय करते हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए, अब मेरा कल बर्थडे है, ठीक है? बर्थडे है तो फिर ठीक है, एडवांस में हैप्पी बर्थडे आपको। थैंक यू। बताइए तो नहीं आएंगे ऐसे, कैसे आएंगे? नहीं आएंगे। अब यही एक तरीका रह गया गाइस, मुझे नहीं लगता मेरे बुलाने पे कोई आएगा। मैं घूम घूम के पोस्टर लगाने वाली हूँ अपने बर्थडे का। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरे बर्थडे के वाले उसको लेके लोग उसमें वो खाएंगे, फिर समोसा। काफी अच्छे क्वालिटी का पेपर है, चलो उसमें समोसा खाते हैं। ये अजीब से दिखने वाली लड़की कौन है, इसमें चटनी डाल के खाते हैं। No one cares. आज यार बर्थडे है मेरा, किसकी परवाह करता है? बर्थडे, मेरे बर्थडे में आ जाओ प्लीज, आज मेरा बर्थडे है। आज नहीं है वैसे। मतलब जैसे बर्थडे आज में नहीं है, नए लोगों को बुलाया जाता तो आप सबको? मैं स्ट्रेंजर्स को बुला रही हूँ। हाँ, एक्सक्यूज मी, मेरा बर्थडे है एंड यू आर इनवाइटेड। मैं स्ट्रेंजर्स को अपने बर्थडे में इनवाइट कर रही हूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड्स नहीं है इतने। अच्छा, तो आप आना चाहोगे? आएंगे आप? सच्ची तो वैसे कहने के सच्ची में आएंगे। हम लोग इनवाइट कर रहे हैं बर्थडे पहले तो आप। थैंक यू सो मच। तो मेरा ना बर्थडे है कल और आपको आना है। थैंक यू। आप आओगे? यस मैम। पक्का? पक्का, मैं वेट करूंगी। ओके, चलो ठीक है। यस, आप इनवाइटेड हो। अरे स्कूल के बच्चों को डांट दे रही है। अच्छा, ने इसका जहाज बनाने बैठ के। पक्का? अंकल को देखते हुए जा रहे हैं। लगता है मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, इसलिए सब कौन आ ही नहीं रहा है यार। मेरा बर्थडे है एंड मेरे को यहाँ पे फ्रेंड नहीं है, तो मैं चाहती हूँ आप मेरे बर्थडे में आओ। आएंगे आप? अरे बिल्कुल, अगर आप फ्री हो तो आप आना। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। थैंक यू। चलो एक बात है यार, दिल रखने के लिए बोलते रहे कि हम आएंगे। ओके, चलो यार, एटलीस्ट बर्थडे विशेस मिल रहे हैं मुझे, कोई बात नहीं। तो कल आप फ्री हो तो आप आओगे? पीछे वॉल पेंटिंग की हुई थी और लोगों ने उस पे ये लगा दी है। मेरा बर्थडे है, अच्छी बात नहीं है। एडवांस में हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। फ्री हो? नहीं, कल तो तैयारी कर। फ्री तो नहीं है? फ्री नहीं हो तो आप फ्री हो क्या कर? फ्री नहीं हो तो भैया कितने पढ़ाकू बच्चे हैं, कहते नहीं है फ्री नहीं है। Do you wanna come? Today is your birthday? No, tomorrow. तीनों लोग आ जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ आप मेरे बर्थडे पे आओ। ठीक है।
है तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बर्थडे में आओ। थैंक यू, आप उतना दूर से हैं मुझे विश करने। थैंक यू सो मच। तो मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ मेरे बर्थडे में। थैंक यू। अब आओगे कल संडे को? हम लोग तो आ जाएंगे। क्या बात है, आएंगे? कब आ जाएंगे? आओगे पक्का? मैं काउंट कर लूँ आप लोगों को। आई विल ट्राई। ओके, थैंक यू, बाय। दिस इज स्पेशल रुके भाई। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू बर्थडे, मैं इनवाइट कर रही हूँ आपको। थैंक यू, गुड मॉर्निंग गाइस। तो हमारा टेंट वेंट लग चुका है यार, मैंने टेबल सेट कर दिया, बट मुझे डर लग रहा है कहीं कुछ कम ना पड़ जाए, क्योंकि कल ना बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि वो आएंगे, क्योंकि मैंने संडे को रखा था कि मैक्सिमम लोग आ सके, तो मुझे लग रहा है कि यार कुछ लोग आएंगे। लेट्स सी। यार मेरी पार्टी में बहुत ज्यादा लोग आए, आई कांट बिलीव। ये देखो बहन के साथ प्रैंक हो गया। बंदा भी नहीं आया, मैं तब से वेट कर रही हूँ कोई तो आ जाए, बट कोई भी नहीं। जालिम दुनिया। कमेंट में हैप्पी बर्थडे विश करो यार। करो भाई, अपने भाई को भी करो। इतने वेले हैं, देखो बर्थडे वाले दिन वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि कोई चट्टी पट्टी है नहीं ना यार आजकल सिटी में। सुबह से शाम हो गई यार। वैसे उसने तैयारी शैरी की थी, कोई तो आ जाता। मेन्यू लिखा था, डेट टाइम एड्रेस। यार मुझे नहीं लगता आपको आने वाला है, मुझे अकेले ही सेलिब्रेट करना पड़ेगा। हैप्पी बर्थडे हमारी तरफ से, सैटरडे को भी हैप्पी बर्थडे। बर्थडे है नहीं, बट मैंने ऑर्गेनाइज किया था ये सब आज, क्योंकि आज संडे है और मैंने सोचा था बहुत ज्यादा लोग आएंगे क्योंकि संडे है, बट फिर भी मुझे बुरा लग रहा है कि लाइक थैंक गॉड ये मैंने अपने बर्थडे के दिन नहीं किया। एक्चुअल बर्थडे कब था? कोई आया मैं किधर था? मुझे अजीब लग रहा है। हाय, आ जाओ। एक्चुअली में कोई आया है? वाह यार, कैसे हो? ये भाई ये सब्सक्राइबर लौट रहा है ना। थैंक यू सो मच। फूल शूल लेके आया भाई, गिफ्ट भी लाया। हेलो, हाय। ओके, हाय। थैंक यू। सारे लौट गए। थैंक यू। एक आधे अरे वाह, बहुत सारे लोग आ गए। मुझे लगा था कोई भी नहीं आएगा, बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कि जब मैंने आपको बोला था कि मेरा ना बर्थडे है बट मेरे यहाँ पे कोई फ्रेंड्स नहीं है, तो मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ। थैंक यू। हाँ ओके ओके, थैंक यू। वो क्या दिमाग में लग रहा था? अच्छा लगा जी। हाईली इंप्रेस्ड यार, मतलब मुझे भी लगा था कोई आएगा। बहुत खुशी का दिन होता है तो जाना चाहिए। ओ थैंक यू सो मच। हम तो बहुत दिन से खोज रहे थे आप। अरे वाह, बाय। हम आपको बहुत दिन से खोज रहे थे। थैंक यू सो मच। सबसे बड़ी बात तो आप हम लोग को इनवाइट किए। वो तो कल आप फ्री हो? चलो यार, यहाँ पे लोग बोल रहे कि आएंगे, अब देखना है कि आते हैं या नहीं आते। हम लोग पे आपको यकीन था वैसे, हम लोग को आप पे। अरे वाह, क्या बात है, तालियां। प्लान कर रहे थे पार्क में, सोच रहे थे जाना है रात में। प्लान कर रहे थे यार, कैसे जाना है गूगल। यहाँ तो हम लोग परेशान भी हो गए रास्ते में, इधर उधर। अच्छा कोई और चले गए थे? क्रेडिट्स है मुझे लगता है कि स्कूल वगैरह के हैं। गाइस 150 लोगों में से इतने लोग आए हैं, बट ये लोग बहुत अच्छे हैं। स्टिल मम्मी आ गई, क्योंकि मैं से कुछ संभलता नहीं, इसलिए मम्मी वर्मा इज हियर। मेरा नैरेटिव तो फिर भी वो हो गया कि मुझे लग रहा था कोई नहीं आएगा। टू मी जस्ट वाओ, मतलब ये इससे पता लगता है कि दुनिया जितनी मर्जी जालिम हो, कुछ ना कुछ लोग मौजूद हैं। अच्छा मजे की बात ये है कि इनमें से कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता। अरे कुछ कर रहे हो? वाओ वाल लंडे। ओ भाई साहब, ओ भाई पता
लोग एनसीसी वाले हर चीज शिद्दत से करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को बोला था और वो बोले भी थे कि हाँ हम पक्का आएंगे, लेकिन कोई नहीं आया। आप आ गए, हम लोग कह देंगे आएंगे तो आएंगे। मैं इसको कह के करना, हम लोग की साइकिल्स पे भी आए थे भाई, बाइक्स के यार ज्यादा लोग नहीं आए थे, बट वो जो एक एनसीसी की फ्रेंड की ग्रुप थी ना, वो इतने अच्छे थे यार, मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा। एक हेल्प कर दो, मैं ना इसलिए कंफ्यूज हूँ कि मैं अपने बर्थडे में व्लॉग करूँ या ना करूँ। तो अगर आपको व्लॉग चाहिए होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना। ओके सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो कमाल नहीं हो गया कि वैसे आज इनका बर्थडे था नहीं, आपके भाई का तो है लेकिन इनका नहीं था, लेकिन इन्होंने ये शायद 8 से 10 दिन पहले वीडियो रिलीज किया था और हमें रिक्वेस्ट भी आई हुई थी, तो हमने सोचा कि करेंगे और आज फाइनली हम लाए। लेकिन वीडियो देख के हमें ये भी पता लगा कि इनका एक्चुअल बर्थडे जिस डेट पे इन्होंने ये डाला था तब नहीं था, इसके बाद था। लेकिन कोई बात नहीं, सबसे अच्छी जो मुझे बात लगी वो ये थी कि यार मतलब 150 कार्ड इन्होंने बांटे स्ट्रेंजर्स को, बिल्कुल स्ट्रेंजर, जो इन कोई इनके लिए मैटर नहीं करता था, बस अचानक रैंडम इन्होंने कार्ड दिए थे। और उसमें से एक वो बंदा जो स्पेशली रुका था बाइक पे, वो उसके फ्रेंड्स और कुछ 2-3 जो रैंडम में से थे वो आए, मतलब 150 में से चलो 20 भी लोग आए। तो एक नैरेटिव हमारा जो मेरे मन में था, मैंने एक्सप्रेस भी किया आपको कि दुनिया बड़ी जालिम है आजकल, और आजकल यार सगे रिश्ते और इवन के आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज स्टूडेंट लाइफ कहीं के भी हों, वो दोस्त नहीं मिलते आपको आके कि जनाब टाइम नहीं मिलता, बिजी हैं। उस टाइम में, उस जिसमें हम जी रहे हैं, उसमें ये लोग आए स्पेशली। और मतलब प्रगति ने भी वेन्यू वगैरह बनाया था, फुल ठीक ठाक प्रिपरेशन की हुई थी, लेकिन इन लोगों का आना ये मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि मतलब क्या बात है यार। तो मुझे सीरियसली अच्छा लगा, इससे ये भी पता लगता है कि जितना मर्जी टाइम बुरा आ जाए लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जेन्युइनली बाकी कुछ जो लोग हैं उनकी क्या कहते हैं हम, उनकी कदर करते हैं, सोचते हैं दूसरों के बारे में एटलीस्ट। ये मुझे देख के अच्छा लगा। तो कैसा लगा आपको ये वी लोग, मेरे बालों का बम फटा हुए ओ कैसा लगा जनाब आपको ये वी लोग और इस पे हमारा रिएक्शन कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।